44वें स्थापना दिवस पर दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी का झंडा फहराया। उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पार्टी को और आगे ले जाने का आह्वान भी किया। और बीजेपी के स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वॉल राइटिंग कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर दिल्ली में पार्टी मुख्यालय की दीवार पर नड्डा बीजेपी का लोगो उकेरते दिखे। वॉल राइटिंग के माध्यम से नेशन वाइड हमारा ये जो लोकसभा प्रवास का कैंपेन है, जिसका आयाम है वॉल राइटिंग, वो प्रारंभ हो रहा। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के बीजेपी कार्यालयों में पार्टी का झंडा फहराकर 14 अप्रैल तक चलने वाले कई कार्यक्रमों की शुरुआत की। इस मौके पर राज्य के उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। भाजपा सबका साथ सबका विकास और कांग्रेस और भाजपा विरोधियों का कुछ का साथ कुछ का विकास। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने देहरादून में पार्टी कार्यालय में झंडा फहराया और कहा कि पार्टी को ऊंचाइयों पर पहुंचाने में कार्यकर्ता अहम योगदान करते हैं। महाराष्ट्र में हनुमान जयंती के मौके पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। हालांकि किसी अनहोनी की आशंका के मद्देनजर प्रशासन ने पूरे प्रदेश में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम भी किया और हुड़दंगियों पर नजर रखने के लिए जगह जगह पुलिस की तैनाती की गई थी। अमरावती में स्थानीय सांसद नवनीत राणा और विधायक रवि राणा ने भव्य हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया। नवनीत राणा ने कहा कि भारतीय संस्कृति में उत्सव की अपनी एक परंपरा है। हनुमान जन्म उत्सव इस देश में रहने वाला हर व्यक्ति, हिंदुस्तान में रहते हैं, और हमारी परंपरा, हमारी विचारधाराओं को तो हम मानेंगे। राणा दंपति के कार्यक्रम में भी भारी सुरक्षा बल की तैनाती की गई थी। हालांकि कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। राणा दंपति के इस कार्यक्रम में पिछले साल की घटना का साया भी मंडराता दिखा। नवनीत राणा और रवि राणा पिछले साल हुई अपनी गिरफ्तारी को लेकर उद्धव ठाकरे पर हमलावर भी दिखे और कहा कि इस बार प्रदेश में हनुमान चालीसा का पाठ करने पर देशद्रोह का मुकदमा नहीं होगा। हनुमान जी का नाम लेना और हनुमान चालीसा पठन करने पे पिछले साल महाराष्ट्र में वो देशद्रोह था, पर मुझे लगता है आज महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा का पठन करना या राम जी का नाम लेना कोई देशद्रोह नहीं होगा। दरअसल पिछले साल पाबंदियों के बीच राणा दंपति ने मुंबई में उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने की घोषणा की थी, जिसके बाद दोनों को देशद्रोह के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया था। नहीं, हमने संकल्प किया कि बाहर निकलते ही इतनी ऊंची प्रतिमा मूर्ति की स्थापना करेंगे कि उद्धव ठाकरे जैसे विरोधक जब महाराष्ट्र में घूमेंगे तो बजरंगबली की 111 फुट की प्रतिमा उनको दिखना चाहिए। रवि राणा ने कहा कि राम मंदिर के लोकार्पण के दिन ही अमरावती में 111 फीट ऊंची हनुमान प्रतिमा का अनावरण केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से करवाया जाएगा। विदिशा में बागेश्वर धाम की तरफ से आयोजित कथा की शुरुआत कलश यात्रा के साथ हुई। 13 अप्रैल तक चलने वाले इस आयोजन में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भी शामिल होंगे, जिसके लिए देर रात धीरेन्द्र शास्त्री विदिशा पहुँचेंगे। कलश यात्रा की तैयारी काफी दिनों से की जा रही थी। कलश यात्रा के लिए प्रशासनिक स्तर पर भी बड़ी तैयारियां की गई। कलश यात्रा का रूप पहले से ही तय कर दिया गया था। श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए कार्यक्रम में 1500 से अधिक पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई थी। यूपी के बिजनौर में एक बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में ट्रक की टक्कर से बाइक सवार युवक और महिला बुरी तरह घायल हो गए थे। हादसे पर सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में भीषण सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई। टोल नाके का गेट तोड़कर एक कार ने दूसरे वाहन को जोरदार टक्कर मारी। हादसे के बाद से कार चलाने वाला शख्स फरार है। मध्य प्रदेश के रीवा में अस्पताल की लिफ्ट देर रात अचानक खराब हो गई, जिसके बाद लिफ्ट में आधा दर्जन से ज्यादा लोग एक घंटे तक फंसे रहे। लिफ्ट के अंदर का वीडियो वायरल हो रहा है। मध्य प्रदेश के रतलाम में अनियंत्रित होकर एक बस पलट गई। स्थानीय लोगों की मदद से यात्रियों को बचाया गया। हादसे में कुछ यात्री घायल हुए हैं। उत्तर प्रदेश के इटावा में दुकानों में भीषण आग लगी है। दुकानों की आग आसपास भी फैल गई थी, जिससे लाखों का नुकसान हुआ है। बिहार में शांति के साथ हनुमान जयंती मनाई गई। हालांकि किसी अनहोनी की आशंका के कारण प्रशासन पूरी तरह तैयार दिखा और इसीलिए हर संवेदनशील जगह की निगरानी की गई और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। रामनवमी के दिन हिंसा का शिकार बने सासाराम में तनाव के बीच हनुमान मंदिरों में बड़ी संख्या में भक्त उमड़े। जिन इलाकों में हिंसा हुई थी, वहां भी मंदिरों में दर्शन के लिए लोग जुटे। इस दौरान मंदिरों के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे, ताकि किसी तरह से तनाव पैदा ना हो। वहीं नालंदा के बिहार शरीफ में भी शांति से हनुमान जन्मोत्सव मनाया गया और मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े। दरअसल बिहार शरीफ में भी रामनवमी पर हिंसा हुई थी, इसलिए प्रशासन ने खास एहतियात बरती।
इस दौरान सुरक्षा बलों ने फ्लैग मार्च निकाला और संवेदनशील जगहों पर पुलिस की तैनाती की गई ताकि अमन चैन बिगाड़ने की कोई भी साजिश कामयाब न हो सके। इस बीच बिहार में हिंसा पर सियासी बयानबाजी भी लगातार जारी है। अब राज्य के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने अमित शाह के दंगाइयों को उल्टा टांग देने वाले बयान पर पलटवार किया है और कहा है कि बिहार की जनता उल्टा करने वालों को सीधा कर देगी। उल्टा टांग देना, सीधा कर देना, ये बिहार है। हम तो कहना चाहते हैं कि ये बिहार है और बिहारी जो है उल्टा जो करेगा उसको सीधा कर देगा। हालांकि बीजेपी ने नीतीश और तेजस्वी से सवाल किया कि क्या वो लोग दंगाइयों को सजा नहीं फूल बरसाना चाहते हैं। दंगा का कोई धर्म नहीं होता, इसलिए अगर गृह मंत्री जी ने कहा कि दंगाइयों को उल्टा टांगना चाहिए, इस पर महागठबंधन के लोगों को एतराज क्यों है? तेजस्वी जी और नीतीश जी को एतराज क्यों है? आखिर दंगाइयों पर क्या वो फूल बरसाना चाहिए? हनुमान जयंती के मौके पर भोपाल में शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान हिंदू मुस्लिम आपसी भाईचारे की तस्वीर भी दिखी। यात्रा में बजरंग बली की प्रतिमा पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पुष्प वर्षा की और आपसी भाईचारे की मशाल पेश की। इन तस्वीरों को आप देखिए, हनुमान जी की प्रतिमा पर फूल बरसाए गए और खास बात यह है कि जिस गंगा जमुनी तहजीब के साथ हिंदुस्तान आगे बढ़ता है वो यहां पर देखने को मिली। मुस्लिम भाइयों ने भी इस पूरी शोभा यात्रा में हिस्सा लिया और हनुमान जी की मूर्ति के ऊपर फूल बरसाए। सब भाई हमारे भोपाल गंगा जमुना तहजीब का शहर है और यहाँ की परंपरा हमेशा रही है। यहाँ का हिंदू मुसलमान सभी त्योहारों में, देखिए मेरा तो पिनकजूर है, रोजे का एक मिनट बचा है, एक मिनट बाद मैं रोजा खोलूंगा। अभी कोई अपने भाई पूछ बता रहे हैं, बहुत खुशी का माहौल है यहाँ पर। और हमने और जगह पे छुटपुटिए छोटी मोटी घटनाएं हो रही है, ये उनको हम संदेश देना चाह रहे हैं, कुछ नहीं है ये इस लड़ाई झगड़ों दंगों से हमारा देश ही पीछे होगा। इस तरीके से आपस में प्यार बांटे चले और हिंदुस्तान को दुनिया में नंबर वन देश बनाए। कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों के हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। बजट सत्र का दूसरा चरण पूरी तरह हंगामे की भेंट चढ़ गया। वहीं आज जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, काले कपड़े पहने कांग्रेस नेताओं सहित कुछ विपक्षी दलों के सांसद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की सीट के पास आ गए और अडानी मामले में संयुक्त संसदीय समिति गठित किए जाने की मांग को लेकर नारेबाजी करने लगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस पर नाराजगी व्यक्त की और कहा कि इस प्रकार का व्यवहार संसदीय प्रणाली के लिए ठीक नहीं है। इस तरीके से सदन की गरिमा को गिराना कतई उचित नहीं है। लोकसभा में आज बीजेपी के नेता भगवा अंगवस्त्र पहने हुए दिखे। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण 13 मार्च से शुरू हुआ था, जिसमें विपक्ष ने अडानी समूह से जुड़े मामले की जांच के लिए जेपीसी गठित किए जाने की मांग को लेकर हंगामा किया, तो सत्ता पक्ष की तरफ से लंदन में राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर माफी की मांग पर हंगामा किया गया। Z News.